फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल व्लॉगर ऑर्को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। फिर से आ गया हूं लेकर और एक नया दुर्गा पूजा व्लॉग की स्पेशल वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं चोर बगन सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी की बनाई हुई पूजा मंडप। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी दरखास्त है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़िए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे और मुझे भी नए वीडियोस बनाने में और उत्साह मिले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक का इंतजार मुझे हमेशा रहता है। इस साल चोर बगन सार्वजनिक दुर्गा पूजा का थीम है अंतर शक्ति, यानी मानव हृदय के आंतरिक शक्ति का सदुपयोग कर चोर बगन सार्वजनिक का पूजा मंडप इस साल सजाया गया है। मंडप के अंदर प्रवेश करते ही आपको एक खास एहसास देगा। इस साल मंडप पूरी तरीके से टूटे कांच के टुकड़ों के साथ विभिन्न कलाकृतियां और रंगीन रोशनी का काम किया गया है। जितना सुंदर तरीके से ये पूजा मंडप बनाया गया है, ठीक उतना ही सुंदर है देवी दुर्गा माँ की प्रतिमा। इस साल चोर बगन सार्वजनिक दुर्गा पूजा के मंडप में और एक चीज जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है मंडप के अंदर में इस्तेमाल हुआ कूलिंग सिस्टम। मंडप के अंदर ठंडा रहने के वजह से सारे दर्शनार्थी काफी सुकून फील कर रहे थे। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस डाले हैं उन सभी में से ये पूजा मंडप मुझे सबसे अच्छा लगा है। दोस्तों, यहाँ पे मैं और एक बात का जिक्र जरूर करूँगा। लास्ट 2 साल में कुछ छोटे छोटे क्लब के दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज करने में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे थे, तो चोर बगन सार्वजनिक पूजा कमेटी ने उन सारे पूजा के लिए दुर्गा प्रतिमा का खर्चा खुद उठाया है। सच में दुर्गा पूजा में सभी यहाँ ऐसे ही मिलजुल के सारे त्योहार मनाते हैं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से शुक्रिया। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड स्माइल ऑलवेज।